What's in my thali today? Recipes के साथ season 2. तो आज मेरी थाली में है पनीर टकाटक जो फटाफट बन जाता है, साथ में सिंपल साधारण मूंग की दाल, साथ में है कश्मीरी डेलिकेसी दैट इज मूली का रायता, और साथ में ग्लूटेन फ्री बेहद पौष्टिक मेथी की रोटी या पराठा कह लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पहला एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, मैं लिंक ऊपर अटैच कर देती हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो आसान साधारण वेज रेसिपीज के लिए बने रहिए मेरे साथ, और मेरे चैनल पे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टिप्स भी मिलेंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भिगो देती हूँ धुली मूंग की दाल, जो कि मैंने अपने हिसाब से पौनी कटोरी ले ली है। तो दाल को भिगो के रख दिया है फ्रेंड्स, तब तक हम अपना पनीर टकाटक की तैयारी करते हैं। पहले हम पनीर को जो है अपने हिसाब से जैसी शेप आपको अच्छी लगे वैसे काट लेंगे। तो 10-15 मिनट के लिए हम पनीर को मैरिनेट कर देंगे। इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, धनिया पाउडर सूखा, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला। अब आधा नींबू इसके ऊपर निचोड़ के मैं मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी। रस अगर कम निकले तो आप पूरा नींबू भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस पानी में दाल भिगोई है उस पानी को अब हम गिरा दिया करते हैं, अनपॉलिश्ड है तो भी, क्योंकि कई बार जो है उसमें हार्मफुल केमिकल्स वगैरह होते हैं। बस अब मूंग की दाल में भी जो है हम कुछ 1 इंच इसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली पानी डाल लेंगे। 1 छोटा टमाटर, 1/4 चम्मच हींग पाउडर, थोड़ी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। तो जब कभी भी हम हल्दी डालते हैं हमें काली मिर्च साथ में जरूर डालनी चाहिए, चाहे चुटकी भरी डालें, ताकि हल्दी का पूरा असर हमें मिले। सॉरी फ्रेंड्स, अदरक भूल गई थी, तो 1 टीस्पून बारीक कटी अदरक। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी हम खाना बनाएं बैलेंस थाली के लिए, ये दिमाग में रखिएगा कि अगर एक चीज हैवी है तो दूसरी लाइट हो, तो इस तरह से बैलेंस क्रिएट कीजिएगा। तो दाल को मैंने रख दिया है फ्रेंड्स गैस पे, और 1 सीटी के बाद 1 या 1.5 मिनट तक के जो है हम इसे सिम पे रखेंगे। मूंग की दाल बहुत जल्दी गल जाती है, और अगर आप ऑर्गेनिक दाल यूज कर रहे हैं तो देख लीजिएगा वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है। मैं वैसे ऑर्गेनिक ही यूज करती हूँ। अब हम इसे सिम पे कर देंगे 1 विसिल के बाद। तो जब तक दाल खुलेगी तब तक मैंने पैन में डाला थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, मैं ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ जो इंडियन कुकिंग के लिए यूज होता है, एंड हम ये पनीर सौते कर देंगे। वैसे फ्रेंड्स, बहुत से लोग जो हैं इसे मैदे में लपेट के सौते करते हैं, लेकिन आप जानते हैं मैं थोड़ा हेल्दी ईटिंग में बिलीव करती हूँ। वंस इन अ वाइल तो मैदा चलता है, लेकिन रोजमर्रा के खाने में कोशिश करती हूँ ना ही यूज हो, तो मैं ऐसे ही इसे कर रही हूँ सौते। ये जो मसाला बचा है ये मैंने इसी पे थोड़ा लगा दिया। पनीर को बहुत ज्यादा सौते नहीं करके, नहीं तो हार्ड हो जाता है। अब हमने इसे प्लेट में निकाल लिया। तो पनीर टकाटक को अब हम कंप्लीट करते हैं, और मुझे सरसों का तेल बहुत पसंद है, तो किस किस को सरसों के तेल में कुकिंग बहुत पसंद है जरूर लिखिएगा मुझे। इसके लिए मैंने 1 हमारी बड़ी चम्मच ले लिया सरसों का तेल। तेल गर्म हो गया, मैंने डाला थोड़ा जीरा, और इसमें थोड़ी सौंफ डलती है 1/2 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून बारीक कटा लहसुन, 1 टीस्पून बारीक कटी अदरक, साथ में ही समझ लीजिए 1 मीडियम प्याज डाल देंगे हम, 1 हरी मिर्ची स्लिट करके मैंने डाल दी है, आप अगर सूखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए। प्याज को हमने जो गोल्डन ब्राउन कर दिया है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है। अब डालेंगे टमाटर 2 छोटे या 1 बड़ा, थोड़ा नमक टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए, कश्मीरी लाल मिर्ची, हल्दी आपके ऊपर है, मुझे ये बिना हल्दी कैसे पसंद है। टमाटर सॉफ्ट होने के लिए गैस सिम पे कर दिए और ढक दिए हैं। जरा सा पानी ऐड कर रही हूँ मैं, बहुत थोड़ा सा। तो ये जो पनीर टकाटक होता है फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी ना लटपटी सी ग्रेवी होती है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें पानी या ग्रेवी ऐसे ढीली ढीली नहीं होती है, मसालेदार सा होता है। बस थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए हल्का सा पानी मैंने और ऐड किया इसमें, और अब ऐड करती हूँ ऊपर से लास्ट में गरम मसाला, और इसे मिक्स करके 1-2 मिनट ढक देंगे और हमारा पनीर टकाटक रेडी हो जाएगा। और उसके बाद अब हम दाल को तड़का देते हैं, एंड ग्लूटेन फ्री फायदेमंद रोटी वो बनेगी हरी सब्जी से भरी हुई। तो फ्रेंड्स, आज एक अलग टाइप का रायता आपको खाने के लिए मिलेगा, जो कि कश्मीरी रायता होता है, लेकिन उसके पहले हम दाल को तड़का दे देते हैं। देसी घी,
तो फ्रेंड्स ये जो मूंग की दाल है इसमें हम लोग लहसुन नहीं डालते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन इस दाल को जो है ना काफी सॉफ्ट दाल कंसिडर किया जाता है, हल्की सी होती है, तो ये जो है ना हल्की दालें यूजुअली बिना लहसुन के अच्छी लगती है। जीरा डाला मैंने, अब जीरा जैसे ही थोड़ा सा स्प्लटर होगा तो मैं डाल दूंगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, आप देखिए ये बहुत इस्तेमाल करती हूँ, एक पिंच काली मिर्ची अगेन क्योंकि हल्दी पड़ी है दाल में इसलिए, और साथ में गरम मसाला भी मैं तड़के में ही डाल देती हूँ थोड़ा सा भी। बस तड़का रेडी हो गया है, स्प्लटर करने लगी है, ऐसे ऊपर उठा लिया ताकि जले नहीं। तो इससे आसान और जल्दी कोई दाल नहीं बनती है फ्रेंड्स, बहुत स्वादिष्ट बहुत जल्दी बनने वाली सिंपली दाल चावल और चटनी के साथ भी खाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो फ्रेंड्स बहुत से लोग ये कहते हैं कि मूली और दही साथ में नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम बचपन से खाते हैं और आपको हैरानी होगी इस बात को जान के कि मूली का रायता जो है वो कश्मीरी डेलिकेसी माना जाता है। तो आज मैं बना रही हूँ मूली का रायता, बहुत स्वादिष्ट होता है एंड गॉड्स ग्रेस हम बचपन से खा रहे हैं, हमें तो आदत है इसकी, आप भी ट्राई कीजिएगा अगर आपको ऐसा परहेज नहीं है तो। ये कद्दूकस हुई भी मूली ली मैंने, इसमें डाली हरी मिर्ची और साथ में डालेंगे हम काला नमक। फ्रेंड्स रायते वगैरह में काला नमक यूज करना पसंद करती हूँ मैं, और कोशिश कीजिए कम ही रखिए नमक, थोड़ी सी अजवाइन ताकि मूली गैस ना करे। और अब इस पे हम थोड़ा सा दही डाल के मिक्स कर देंगे, दो कड़छी दही डाल रही हूँ, बस थोड़ा धनिया से सजा दिया। तो फ्रेंड्स इस रोटी की रेसिपी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बहुत हेल्दी है, ग्लूटेन फ्री है, और सिर्फ ये रोटी ही आप अपने टिफिन में ले जा सकते हैं, पराठा फॉर्म में ले जा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, मतलब कुछ और बनाने की भी साथ में जरूरत नहीं है, सो डोंट मिस दिस। तो ये आटा जो है ये ज्वार का और नाचनी का, दैट इज रागी जो कि फुल ऑफ कैल्शियम होता है वो आटा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल के पहले मिला के रख दूंगी, पानी गर्म है इसलिए हाफ नहीं डालूंगी मैं इसे, हल्का सा पानी मिला डाला मैंने इसमें, और अब बस मैंने इसे हिलाया हल्का सा जो है ये मिक्स कर दिया पानी, और ये इसलिए किया जा रहा है कि रोटी हमारी एकदम सॉफ्ट बने, नहीं तो कभी कभी ये रोटी काफी कड़क हो जाती है। थोड़ा और पानी डालेंगे, गुनगुना पानी डालेंगे तो ही फ्रेंड्स रोटी सॉफ्ट होगी, ऐसे नहीं होगी। और इसे रख देंगे हम 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, और आजकल मेथी और ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छी आ रही हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां मेरा मतलब है, तो मैंने बहुत सारी जो है वो मेथी ले लिया, अच्छे से ले लिए मेथी, काट के रख लिया। अब हम इसे इसमें खूब सारी मेथी डालेंगे ताकि हमारे अंदर जो है खूब सारी हरी पत्तेदार सब्जी चली जाए। थोड़ी सी अजवाइन, और आप चाहें तो नमक डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मैं ज़रा एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है ना वो अवॉइड करती हूँ। अब इसे हम ये मेथी में जो हल्का सा पानी छोड़ा हुआ है ना इसी से ही कोशिश करेंगे मिक्स करने की। तो फ्रेंड्स थोड़ा सूखा सूखा हो रहा है इसलिए ना थोड़ा सा ही पानी जो है इसमें और ऐड कर रही हूँ, लेकिन हल्का हल्का ही करेंगे नहीं तो एकदम आटा ढीला हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कब नए वीडियोज आने वाले हैं, एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। और फ्रेंड्स जो भी आप रेसिपी ट्राई करें उसकी फोटो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करेंगे तो मैं अपने प्रोफाइल पे उसे शेयर करूंगी, एंड मेरे चैनल पे आपको मिलेगा व्हाट्स इन माय थाली टुडे की बहुत सारी वेजिटेरियन हेल्दी इजी बनने वाली रेसिपी, साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वीडियोस। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट फ्रेंड्स एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसमें बहुत कुछ इंक्लूड होता है, सो डोंट मिस इट। तो बहुत लोग ये कहते हैं रोटी टूट जाती है, बनानी मुश्किल है, तो ये एक ट्रिक है, एक इस तरीके का पीला कपड़ा ले लीजिए आप और इसके ऊपर डाल दीजिए, मतलब धो के निचोड़ दीजिए अच्छे से, और चकले के ऊपर, हम तो चकला ही बोलते हैं, इसे डाल दीजिए। और फिर ये हमने लिया हमारा पेड़ा, पेड़ा ऐसे रख के जो है हम हाथ से उसे गीले कपड़े पे प्रेस करेंगे, और जरूरत लगे अगर तो पानी का हल्का सा हाथ लगा के जो है इस तरह से हम दबा सकते हैं ताकि ये पतली बन जाए। और ये देखिए अब तवे पे हल्का सा घी लगाएंगे, आप चाहे बिना घी के बनाइए लेकिन हल्का सा घी लगाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है, और सिम पे पकाएंगे। Enjoy your happy healthy lunch.